मनीष, सबसे पहले ताजा अपडेट बताइए, फिलहाल कितना फासला बचा हुआ है मजदूरों तक पहुंचने में? प्राची, हम आपको औपचारिक तौर पर कंफर्म एक बार फिर से बता दें कि ब्रेक थ्रू हो चुका है। हालांकि जनरल अता हसनैन कह रहे हैं प्रिकॉशनरी तौर पर कि 2 मीटर अभी बाकी है, लेकिन हमें मल्टीपल सोर्सेज जो कि अंदर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि ब्रेक थ्रू हो चुका है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो अपने पूरी मशीनरी और इक्विपमेंट के साथ पाइप के अंदर जाकर जो रेकी है वो कर चुके हैं, और अब उसके बाद एक एक करके थोड़ी देर बाद इन सभी को बाहर निकालने का काम किया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। इसीलिए प्रिकॉशनरी तौर पर अभी अंदर हॉस्पिटल सेटअप किया गया है 5 बेडेड का, जो करीबन 10 बेड तक एक्सटेंशन है उसका। उसके अलावा कैनोपी लगाई गई है जिसके अंदर सामान रखा गया है, और एक नीचे ज़मीन पर बेड बिछाया गया है। उसके साथ साथ दवाई, मेडिसिन और ब्लड प्रेशर मशीन, फर्स्ट एड और चाय नाश्ता का इंतजाम अंदर ही किया गया है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने भी औपचारिक तौर पर इस बात को कहा कि ब्रेक थ्रू मिल चुका है, नंबर वन। नंबर टू, जनरल वीके सिंह ने औपचारिक तौर पर जो वो खुद अंदर मौजूद हैं, उसके अलावा जो एनडीआरएफ के ऑफिशियल हैं, और यहाँ तक कि जो परिवार के लोग हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, यानी 41 वर्कर्स के जो लोग हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इसे कन्फर्म करते हुए इस बात को कहा कि अब से कुछ देर का इंतजार करना होगा ताकि पूरे पैरामीटर्स और डेब्री देखा जाए। जो एक और कंपनी एजेंसी है मपई, जो कि जिसको अल्टरनेट तौर पे ऑप्शन के तौर पर स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया था, उन्होंने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर वो पूरा ड्रिल कर चुके हैं और देख रहे हैं, उसके अलावा वो ब्रेक थ्रू हो चुका है। तो इसके साथ मनीष, एक बात की जानकारी और दीजिए, अगर ब्रेक थ्रू हो चुका है और पाइप मजदूरों तक पहुंच चुकी है, तो कितना वक्त लग सकता है इन मजदूरों के बाहर निकलने में? अब अंधेरा भी होने वाला है, क्या इससे कोई परेशानी बढ़ सकती है? प्राची, इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको समझना होगा 2 पाइप्स 3-3 मीटर की है, और जब ब्रेक थ्रू का मतलब है कि मजदूर जो वर्कर्स हैं 41 वर्कर्स, वो आमने सामने एक दूसरे के बिल्कुल क्लियर हैं, और इसीलिए एनडीआरएफ के जवानों को अंदर भेजा गया। क्योंकि वेल्डिंग का प्रोसीजर था, वेल्डिंग किया गया, वेल्डिंग सूखने में करीबन 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है। आपको ध्यान होगा 1:30 से 2 बजे के लगभग इंडिया टीवी ने बहुत ही औपचारिक तौर पर इसे कन्फर्म करते हुए जो उनके जो अंदर लोग हैं उनसे बात की थी, और फिर उसके बाद इस खबर को हमने दिखाया था। तो ये जो टाइम है करीबन 1.5 से 2 घंटे का, वो पूरा वेल्डिंग सूखने में लगता है। इसीलिए हमें कहा गया कि अब से थोड़ा देर और लगेगा, 1 से 1.5 घंटा, जब ये एक एक करके ये बाहर की तरफ आएंगे, और इसी की तैयारी भी की जा रही है। और इसीलिए ठीक सामने आप देखें तो एम्बुलेंस करीबन 20 से 25 की संख्या में यहाँ पर तैयार कर ली गई है। उसके अलावा जो यहाँ साथ में एनडीआरएफ के जवान जो दूसरे लेवल के हैं, मतलब एक जो कि पूरे अपने इक्विपमेंट्स और साथ में सामान के साथ तैयार थे, वो अंदर जा चुके हैं। लेडर, उसके अलावा छोटी सीढ़ी, विंच, हुक की रोप, ये सब लेकर जो कि अंदर की तरफ गए। उसके अलावा सेकंड लेवल जो है, सेकंड एनडीआरएफ के जवान, वो यहाँ पर खड़े हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर, जहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है टनल के अंदर, वहाँ पे एक छोटा हॉस्पिटल सेटअप किया गया है, और पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो अंदर मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह अंदर मौजूद हैं। जब वो बाहर आएंगे, यहाँ पे फूल मालाएँ सब मंगवा ली गई हैं, ताकि जब ये वर्कर्स एक एक करके बाहर आएँ, ताकि उनका स्वागत किया जा सके, और फिर उनके बाद उनके परिवार के साथ। ये देखिए, परिवार के लोग यहाँ पर हैं, और 41 परिवार के लोगों को ये कह दिया गया है कि आप सामान लेकर बिल्कुल रेडी रहिए, अलर्ट रहिए, जैसे ही वो आएंगे उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा, और प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको यहाँ से 45 किलोमीटर दूर चिनियाल सौर एक जगह है, वहाँ पर हॉस्पिटल 41 बेड का तैयार किया गया है, जहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था की गई है। और एक और बात, अगर कोई भी वहाँ पर किसी की तबीयत खराब होती है और उसको इमरजेंसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए सीधा ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इसलिए चिनियाली में एक चिनूक हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। उसके अलावा जो यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हेलीकॉप्टर, बिल्कुल अंतिम चरण में अब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मनीष पहुंच चुका है। इंतजार उस पल का किया जा रहा है जब एक एक करके मजदूरों के बाहर आने का सिलसिला शुरू होगा, और वो सुखद तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी। पूरा देश देखेगा कि कैसे 17 दिन का संघर्ष रंग लेकर आया है।